उन साक मार्केट पासे आवेल अर्स हॉस्पिटल मा मारामारी नी घटना सामे आवी हती, जेमा हॉस्पिटल ना कंपाउंडर पर रात्रिना समय हुमलो करायो हतो। आ घटना ना सीसीटीवी पण सामे आवता हता, जे मामले फरियाद नोंधाता सचिन जीआईडीसी पोलीसे आरोपी ने छावरिया होवाना आक्षेपो साथे हॉस्पिटल ना तबीबे सूरत पोलीस कमिश्नर ने आवेदन पत्र आपी रजूआत करी छे। सूरत पोलीस कमिश्नर कचेरीए आवेदन पत्र आपवा पहोंचेला ऊन खाते रहता डॉक्टर इकबाल बंखान ए जणाव्युं हतुं के गत 26 जान्युआरी ना रोज तेओना ऊन साक मार्केट पासे आवेल हर्ष हॉस्पिटल में कंपाउंडर विवेक कुमार सिंह ने माथाबार ईसमो द्वारा मार मारवामां आव्यो हतो। हॉस्पिटल कंपाउंडरे डॉक्टर ने पूछ्या वगर दवा नहीं आपता तेने मार मारवामां आव्यो हतो, जे समग्र घटना त्यां लागेला सीसीटीवी कैमेरा में पण कैद थई गई हती। घटना ने पगले सचिन जेआईडीसी पुलिस द्वारा सीसीटीवी में दिखाई रहेला चार शख्सों सामे फरियाद नोंधवामां आवी हती, परंतु तेमांथी एक आरोपी अमीलराज आरिफ शेख ने पकड़ी बेलेबल कलमों तेना पर लगाड़ी तेने जामीन मुक्त करी दई, जाने सचिन जेआईडीसी पुलिस से आरोपियों ने छावरी रही होय तेम लागी रही होवाना आक्षेपो आवेदन पत्र में कर्या हता। जी, मेरा नाम मोहसिन खान है, मैं अर्स हॉस्पिटल से ऊन पाटिया। क्या घटना हुई थी, यहाँ पर क्यों आए? सिर्फ एक जो गैस का कैप्सूल होता है ना, उसके लेके घटना हुई थी ये। तो जो स्टाफ, जो मेरा मेल स्टाफ है, उसने सिर्फ यही बोला था कि आपके पेशेंट को लेके आओ तो ही ट्रीटमेंट होगा। उन्होंने इसके ऊपर ये इशू खड़ा कर दिया और उन्होंने रात को 2:30 के बीच में उन्होंने 6-7 लोगों ने मारामारी चालू कर दी थी। कितने लोग थे वो? करीबन 6 लोग थे वो, 6-7 लोग थे। पुलिस फरियाद हुई थी क्या? पुलिस फरियाद हुई थी, उसमें कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, वो खुलेआम घूम रहे हैं और उसमें PIB कोई एक्शन नहीं कर रहा है। कितने दिन हो गए घटना को? घटना करीबन 3-4 दिन हो गए। क्या कहना चाहोगे कमिश्नर साहब से? कमिश्नर साहब से यही कहना चाहते हैं कि उनको अरेस्ट किया जाए, और दूसरा PI कोई एक्शन नहीं ले रहा है वहाँ का, क्योंकि उनका और ऊपर से धमकी भी दी जा रही है। जो हॉस्पिटल के डॉक्टर वगैरह हैं उनको भी धमकी दी जा रही है मारने की। कौन सा पुलिस स्टेशन है ये? पुलिस GIDC सचिन। हॉस्पिटल में घुसी कंपाउंडर ने मार मारवानी घटना सीसीटीवी में कैद थई होवा छता पण सचिन GIDC पुलिसे करेली कार्यवाही ने लई तबीब आलम में भारे रोष जोवा मळी रह्यो छे। સસેટા સાથે અઝર કુરેશી।